उत्तर प्रदेश के बलिया में आयोजित पासी पासवान दलित सम्मेलन में हिस्सा लेने आए बिहार से सांसद चिराग पासवान ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर बोला हमला। कहा कि अपने बदौलत मुख्यमंत्री नहीं बन सकता, वह प्रधानमंत्री क्या बनेंगे, आज भी वह राजद के भरोसे मुख्यमंत्री बने हुए हैं। सांसद चिराग पासवान ने बिदोड़ी के सदन में दिए गए शर्मनाक बयान पर बीजेपी द्वारा 15 दिन के अंदर कारण बताओ नोटिस जारी करने के बाद भी उन्हें टोंक की जिम्मेदारी पार्टी द्वारा देने के सवाल पर कहा कि जिस तरह से उन्होंने सदन में शब्दों का इस्तेमाल किया था उसका समर्थन कोई भी नहीं करता, पार्टी को संज्ञान लेकर कार्रवाई करनी चाहिए, यह पार्टी का इंटरनल मामला है, उन शब्दों का हम कभी समर्थन नहीं करते, हम उसकी घोर निंदा करते हैं। तो वहीं जेडीयू सांसद मनोज झा द्वारा ठाकुरों को लेकर के दिए गए बयान पर लोजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष व सांसद चिराग पासवान ने कहा कि ये पूरी तरह से गलत है, इस तरीके से शब्दों का इस्तेमाल करना समाज में असंतोष उत्पन्न करना है, जरूरत है सबको एक साथ लेकर चलने की, इस तरीके का बयान समाज में असंतोष उत्पन्न करते हैं, लोगों की भावनाओं को ठेस पहुँचता है और उस पर जिस तरीके से उनकी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व खामोश है तो कहीं ना कहीं मौन समर्थन तो मिल ही रहा है उनके इस बयान को जो पूरी तरह से गलत है, समाज को बांटने वाला यह बयान है, इसकी घोर निंदा हम लोग करते हैं। तो वहीं चिराग पासवान ने खुले मन से कहा कि अगर वह नीतीश कुमार के पार्टी के साथ गठबंधन कर लेता तो वह कभी अपने नेता और उनके पिता रामविलास पासवान की तस्वीर पर पूरी उम्र पुष्पांजलि नहीं अर्पित कर पाता। मेरे सामने ऐसी ही परिस्थिति आई जहाँ कई बार मुझे मेरे विचारों से समझौता करने के लिए विवश किया गया। 2020 में मेरे प्रदेश बिहार में चुनाव हो रहे थे, उस वक्त भी मेरे ऊपर ये दबाव था कि मैं अपने विचारों अपने सिद्धांतों से समझौता कर एक ऐसे व्यक्ति के साथ उनका समर्थन करूं जिनके विचारों से मैं सहमत हूं। मेरे प्रदेश के वो मुख्यमंत्री हैं, पर मैं मानता हूँ कि मेरे प्रदेश बिहार को बदहाली की कगार पर लेकर जाने के लिए अगर कोई एक व्यक्ति जिम्मेदार है तो वो मेरे प्रदेश के मौजूदा मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी। 2020 में अकेले मैंने चुनाव लड़ना पसंद किया, पर कभी भी अपने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने मैंने कोई समझौता नहीं किया। ये वही बातें हैं तो मेरे नेता मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी सिखाते थे। अगर मुझे सत्ता का लालच होता, सत्ता का सुख होता तो मैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ समझौता करता। आज मैं केंद्र सरकार में मंत्री होता, मेरी पार्टी के कई विधायक बिहार सरकार में मंत्री होते, पर अगर मैं ये समझौता कर लेता तो उम्र भर कभी भी अपने नेता अपने पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी की तस्वीर पर कभी पुष्पांजलि अर्पित नहीं कर पाता, कभी मैं उनसे ये उदाहरण देने का एकमात्र लक्ष्य है। सर भैया जिंदाबाद, लाख भैया जिंदाबाद। मैं ठाकुर हूँ। हेलो, बिहार में जिस तरह से ब्राह्मण और ठाकुर को लेकर के इस समय घमासान किया हुआ है मनोज झा को लेकर, ये पूरी तरीके से गलत है। इस तरीके से शब्दों का इस्तेमाल करना और समाज में असंतोष की भावना उत्पन्न कर रहे हैं, जरूरत है सबको एक साथ लेकर चलना। इस तरीके के बयान समाज में असंतोष उत्पन्न करते हैं, लोगों की भावना को ठेस पहुंचाते हैं और उस पर जिस तरीके से उनकी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व खामोश है तो कहीं ना कहीं मौन समर्थन तो मिल ही रहा उनके इस बयान को जो पूरी तरीके से गलत है। ये समाज को बांटने वाला बयान है जिसकी घोर निंदा हम लोग करें। जिस तरीके से उन्होंने शब्दों का इस्तेमाल किया उसका समर्थन कोई भी नहीं करता, वो शब्द पार्टी को जरूर उस पर संज्ञान लेकर उस पर कार्रवाई करनी चाहिए, पर उसका पार्टी का इंटरनल मैटर है, बट उन शब्दों का हम लोग कभी समर्थन नहीं करते, घोर निंदा करते। नीतीश कुमार जी इस समय मुख्यमंत्री के दावेदार बता रहे हैं, प्रधानमंत्री के दावेदार, इस समय प्रधानमंत्री के दावेदार नीतीश कुमार को देखा जा रहा है, क्या कहेंगे प्रधानमंत्री को उम्मीदवार? भाई जो मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, तीसरे नंबर की पार्टी है, दूसरे की कृपा पर मुख्यमंत्री बने हुए हैं, राजा नहीं कृपा करे तो मुख्यमंत्री भी नहीं बने रहेंगे, तो जो मुख्यमंत्री ढंग से नहीं बन पाए वो प्रधानमंत्री बनेंगे।